अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में होंगे। हम भी अच्छे से हैं आपकी दुआओं से, और हमारे पैरट्स और सुजैन भी बहुत अच्छे। सॉरी फ्रेंड्स, कल रात को ठंडा पानी पी लिया तो उसकी वजह से बहुत खांसी आने लगी। तो देखिए मेरी सुजैन क्या कर रही है, अभी खाना खा के बैठी। शुजू शुजू शुजू, तो ये कहती है कि हमको निकाल दो, और हम इनको निकाल दें अगर तो डर लगता है, क्योंकि अब ये पूरी बुलबुल बन चुकी है, कहाँ जाएगी बेचारी। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत लालच आने लगा, तो बताइए क्या करूँ मैं, कि इनको मैं आज छोड़ दूं। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मैं अपनी बुलबुल को क्या बाहर छोड़ दूं इसको, या ये वापस आएगी। और अभी ये छोटी है, और आज इसको आए हुए मेरे घर में एक महीना, चार हफ्ते हो चुके, तो ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, और ये इतना फुदकती रहती, खेलती कूदती रहती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और दोनों साथ में रहते हैं, जब इसको कुछ भूख लगती है तो ये मुझे आवाज़ देती, तो नीचे से हैप्पी, इधर के नीचे पिंजरा हैप्पी का, और वो रूम में घूम रहे हैं। हैप्पी हैप्पी कहाँ है, हैप्पी आ गए, देखिए बात सुनते सुनते। हैप्पू 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 बहुत प्यारा बच्चा है। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, इन लोगों की दोस्ती भी हो गई, दोनों एक दूसरे को जवाब देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको ना हटाऊँ, और ये अपना दोनों लोग दोस्त दोस्त हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत सारे बर्ड्स को पाल लूँ, तो ये सब आपस में खेलती कूदती रहे, मेरे पास बहुत बड़ी सी एवियरी हो जाए, तो ये लोग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि मुझे बर्ड्स और लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे ऊपर तो बहुत सारी बर्ड्स आती थी, तो मैंने सोचा था चलो हम नहीं लेंगे कोई भी बर्ड्स, ये ऊपर फाँकता है, और छोटी छोटी श्यामा चिड़िया है, सब आ रही थी। लेकिन जब बिल्ली आने लगी वहाँ पे, तो सब ने आना छोड़ दिया। मेरा फ्रेंड्स दाना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो अब मुझे बहुत अफसोस होता है। तो लेकिन बर्ड्स तो बहुत अच्छी लगती, बहुत प्यारी लगती। और फ्रेंड्स बताएं, ये सुजैन के, आपको मैं पिंजरा खोल के दिखाती हूँ, ये अभी देखिए इसको रेड कलर, देखिए पिंजरा खोला तो खाना मांग रहे, अभी इसको रेड कलर नहीं आया है, तो जब इसके रेड कलर आ जाएगा ना, तो ये पूरी बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं एक बार सोचूंगी कि इसको उड़ा देती हूँ, अभी तो फिलहाल मेरा दिल ही नहीं कर रहा। देखिए कुलबुला रहा है, कुलबुला रहा है बहुत ज्यादा। आ जाओ। कहाँ बैठना है, बैठ जाओ, क्या कंधे पे बैठ जाओ। अच्छा, ये इतना बदमाश हो गया है कि अब हम क्या बताएं आपको, तो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, इतनी ज़्यादा शरारतें करता है, और कहता है कि मुझे पिंजरे में मत बैठाओ। शुजू को देखना, हैप्पी शुजू को देखना, हैप्पी हैप्पी देखो, शुजू शुजू हैप्पी हैप्पी देखो, शुजू शुजू दिख रही, शुजू शुजू शुजैन देखो, दोस्त आ गया आपका, शुजैन आ गई हैप्पी के पास, शुजैन देखिए दोनों की बातें हो रही है, दोनों की बातें हो रही है, बातें कर लो बातें कर लो शुजू। तो ये मेरा बहुत ट्रेंड पैरट है फ्रेंड्स, अगर आपको भी चाहिए इस तरीके का ट्रेनिंग, कि आपके कंधे पे बैठे और आपसे बातें करे और आपको प्यार भी करे, तो फ्रेंड्स आपको मैं आपको सलाह दूंगी, आप छोटा सा बच्चा लेकर के आएँ, और बच्चा जब आप लेकर के आएंगे तो वो आपको ही पेरेंट्स समझेगा अपना, और आपको ही बहुत प्यार करेगा। बच्चे से पालने से होता है, पेरेंट्स आप जो भी बोलते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वो आपकी बातें सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, मेरी प्योरी शुजू की तरीके, तो ये भी सारी बातें समझती है और ये भी सारी बातें समझते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको मेरे पेट्स में कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, ये वाला या फिर ये वाला, ये मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ये खाना मांग रही है, देखिए किस तरीके से बुलबुल खाना मांगती है, अभी देते इसको हम खाना दे देते हैं फ्रेंड्स, इनको अपने पिंजड़े पे बैठाल देते हैं और बुलबुल को खाना दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी कौन सी बुलबुल अच्छी लगी, या फिर जो है हैप्पी अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मेरे प्यारे से हैप्पी को, बाबू शोना, और ये बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। हैप्पी फ्रेंड देखिए इनको घूम रहा है मजे से, ये हैप्पी बेटा आ जाओ अब, बस ये मेरी आवाज पे टांग उठाता है कि कुछ खाने को दे रही है, बस इसको यही हो गई, आ जाओ मेरा बच्चा, गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स गर्मी लगती है तोतों को भी, और आप लोग इनके लिए भी नहाने की व्यवस्था करिए, पानी देते रहिए तीन चार टाइम, गर्मी का टाइम है, इनको तीन चार टाइम पानी पीना है और नहाना है। खाने पीने का ख़ास ख्याल रखिए, एक
फ्रूट्स दिन में ज़रूर दीजिए, वेजीज ज़रूर से दीजिए। और क्या देना रहता है, हैप्पी को क्या पसंद है, और आप लोग दाल चावल भी दे सकते हैं, खिचड़ी। मेरे हैप्पी को दाल चावल नहीं पसंद है, खिचड़ी पसंद है, तो मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो इसको खिचड़ी दे देती हूँ कभी कभी खाने के लिए। आप बताइए आपके आपके पैरेट्स क्या क्या खाते हैं, अरे आप खुद बता दीजिए। ये देखिए इसको कुछ चाहिए। हैप्पी आओ, हैप्पी कितने गौर से बातें सुनता है मम्मा की। हैप्पी मेरे प्यारे, हैप्पी राज दुलारे, हैप्पी मेरा प्यारा, हैप्पी शोना। तो दिखाती हूँ आपको चुलबुली बुलबुल क्या कर रही है। प्यारी सी शूजू मेरी बैठी है, देखिए मुझे देखते ही मुंह फैला देती है। इसको मैं पहले खाना खिला देती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये है शूजैन का खाना फ्रेंड्स, मैं इसको पपीता खिला रही हूँ बहुत सॉफ्ट करके। और यहाँ मेरा खाना बन रहा है, आज बनना है पनीर। तो टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू थोड़े से इसमें डाल दिए हैं और ऑलमोस्ट ये बन चुका है पेस्ट। अब इसको ठंडा करके पीस लूँगी क्योंकि बच्चे आ चुके हैं और मेरे दोनों ये शूजैन वगैरह तो यहीं रहते हैं। तो मैं सुजैन को पहले खाना खिला देती हूँ फिर मैं आपसे बातें करती हूँ थोड़ी सी। शुजू शुजू अपनी डंडी पे जाओ, शुजू को बहुत कस के भूख लगी है, जब अपनी डंडी पे जाओ, डंडी पे जाओ ऐसे। शाबाश शाबाश शाबाश, खालो खालो खालो, शाबाश। बहुत प्यारी है ये, बहुत अच्छी है ये। तो फ्रेंड्स ये कहती है जैसे हैप्पी खुला रहता है मुझे भी खोल के रखो। तो फ्रेंड्स बताइए अब हम इनको खोल देंगे तो ये सब जगह उड़ेंगी, गिर जाएंगी, चोट लगेगी इनको। मेरी प्यारी सी सुजू के लिए आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। शोना है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो मेरी आँखों का तारा है तू, नन्हा सा है कितना प्यारा है तू। तू खेले खेल हजार, मेरा खिलौना है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू, नन्हा सा है कितना प्यारा है तू। अब इनको बस समझ में आ गया कि मोबाइल पे चढ़ के बैठना है। तो फ्रेंड्स हम इसको खोलते नहीं है, बहुत टेंशन है इसको कहाँ। मेरे देखिए इसकी पूंछ दिखाई दे रही है, छोटी सी पूंछ। आज है मेरा बच्चा, जब ये छोटी सी थी तो बहुत प्यारी थी फ्रेंड्स, छोटी सी थी कहीं नहीं उड़ती थी। अब बड़ी हो गई, अब इसको लगता है कि मैं उड़ूं घूमूं फिरूं। मेरा भी दिल करता है कि इसको उड़ाऊं, लेकिन कहीं बिल्ली है, कहीं बंधन है और कहीं कुछ है, तो मैं सोचती हूँ कि कहीं कुछ इसको हो ना जाए। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और शुजू को दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।